तो आपने और आपकी वाइफ ने म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया है ना? और वो भी अपनी सालगिरह के दिन, नहीं नहीं अपनी पहली सालगिरह के दिन। इंटरेस्टिंग, मतलब काफी चुन के ये डेट फाइनल किया होगा ना आप दोनों ने। खैर ऐसा क्या हुआ कि एक साल में ही बात यहां तक पहुंच गई, तलाक की नौबत आ गई, कोई वजह? वजह थोड़ी पर्सनल है। देखिए सिंह साहब, तलाक की जो वजह है ना वो हमेशा पर्सनल ही होती है, लेकिन अदालत में जो है ना पर्सनल, वेरी पर्सनल, वेरी वेरी पर्सनल, सब बताना पड़ता है। ठीक है, तो जरूरी होता है। लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। तलाक की जो वजह है ना वो तो आपको बतानी ही पड़ेगी। अभी क्या है कि आपकी पत्नी, हाँ साहिबा, आपको या आपके परिवार को परेशान तो नहीं करती है? नहीं साहिबा, ऐसा सोच भी नहीं सकती, बल्कि मेरा परिवार उसे बहुत पसंद करता है। अंकित को जवाई नहीं बेटा समझते मेरे मम्मी पापा। अंकित ने बहुत कुछ किया है मेरी फैमिली के लिए, बल्कि वो तो उन्हें अपनी फैमिली समझता है। तो क्या वो आपको मारते पीटते हैं? आई मीन ज्यादा प्यार दिखाने वाले हस्बैंड अक्सर अकेले में अपनी बीवियों पर अत्याचार करते हैं। अंगद ने कभी आपके ऊपर हाथ उठाया है? जी कभी नहीं, अंगद ने कभी हाथ नहीं उठाया मुझ पर, और वो ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। तो क्या आपकी बीवी साहिबा जी बहुत खर्चीली है? वैसे तो आप जैसे अमीर आदमी से ये सवाल गैरवाजिब है, लेकिन हमारा काम है, पूछना पड़ता है। जी नहीं, साहिबा बहुत खुददार है। जी नहीं, अंगद ने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होनी थी, बल्कि मैंने काफी चीजों के लिए उसे मना किया है। तो वो आपको बाहर आने जाने से रोकते हैं या जॉब करने से रोकते हैं? वैसे बड़े परिवारों में तो ये एक आम बात है। नहीं, अंगद ने हमेशा मेरे सपने पूरे करने में मेरा साथ दिया है। तो क्या आपकी पत्नी आपके काम में दखल देती है, आपका ख्याल नहीं रखती? ऐसा कुछ नहीं है, साहिबा बहुत सपोर्टिव है। तो क्या आपके ससुराल वाले आपको मारते पीटते हैं? जी नहीं, बल्कि वो लोग तो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। प्यार, समझ गया। ये साहिबा जी, आपकी धर्मपत्नी जो है वो आपको धोखा तो नहीं दे रही है ना? आई मीन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओह प्लीज, मेरी वाइफ के बारे में आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। अंकद मेरे सिवाय किसी और लड़की की तरफ देखते भी नहीं है। तो लेट नाइट पार्टीज करते हैं या नशा वगैरह? जी बिल्कुल नहीं। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? चाय अच्छा नहीं बनाती है क्या, या खाना आपके माँ के जैसा स्वादिष्ट नहीं बनाती है? खाना इतना अच्छा बनाती है कि खाने वाला अपनी उंगलियां तक चाट जाए। तो क्या आपके हस्बैंड स्मार्ट नहीं है? उनकी नाक टेढ़ी मेढ़ी है, या उनके कान लंबे हैं, या उनके चेहरे पे बहुत मोटे मोटे पिंपल हैं, या फिर इनका स्क्रू ढीला है? आप मेरे हस्बैंड के बारे में कैसी बातें कर रही है? ये कैसे बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं आप मेरी बीवी के बारे में? अरे तो डिवोर्स लेना चाहते हैं आप? देखिए सिंह साहब, दरअसल बात यह है ना कि आजकल पति पत्नी छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को तलाक दे रहे हैं। अभी कल की ही बात है, एक आदमी को अपनी पत्नी का कुत्ता, मतलब उसका पाला हुआ पालतू कुत्ता, वो पसंद नहीं था। इस बात से चिढ़ के पत्नी ने उसको तलाक दे दिया, समझ रहे हैं आप? कुत्ते के लिए पति को छोड़ दिया। मैं वही सोच रहा हूँ कि आपकी तलाक के पीछे भी ऐसी कोई अतरंगी वजह तो नहीं है ना?